पुलिस अधीक्षक यातायात के निर्देश पर छात्र संघ चौराहे पर यातायात निरीक्षक मनोज कुमार राय ने अपनी पूरी यातायात पुलिस की टीम को लेकर वाहनों का चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें हेलमेट लगाने, सेफ्टी बेल्ट लगाने हेतु जागरूक किया गया तथा साथ ही मास्क न लगाने वालों और चुनाव आचार संहिता का पालन न करने वालों को भी जागरूक किया गया तथा हिदायत भी दी गई, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक एमपी सिंह ने बताया कि छात्र संघ चौराहे पर यातायात निरीक्षक द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिसमें नागरिकों को हेलमेट, सीट बेल्ट तथा मास्क लगाने के लिए जागरूक किया गया है और यह चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने जनता से अपील किया है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें तथा मास्क लगाएं, इस कोरोना महामारी से अपने आप को बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। इस अवसर पर यातायात अधीक्षक मनोज कुमार राय तथा अन्य ट्रैफिक पुलिस उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक एमपी सिंह ने कहा, ये गाड़ी में रखी है आप, क्यों रखी है उसको? और ये सारा ऊपर रहेगा, अभी जब लोग खा लेते हैं ऊपर हेलमेट कराने जाने मना है, हेलमेट लगा के जाने।
वो टोपी मास्क हो गया आपका? क्या करें सर, आप मास्क लगाए रहो ना, क्या दिक्कत है? और इनको भी बताओ, आप एक इसमें वो लगवाइए गेट पर यहाँ छिपवाइए कागज का, बिना मास्क का प्रवेश वर्जित है। इतने लोग 50 लोग बैठे हो, पता नहीं कौन कहाँ से आ रहा है। तुरंत आपका ये मीडिया जो है ना, तुरंत आपको फोटो बनाएगी। सिटी बस में बिना मास्क ही चल रही है। सर, आपको पता है, आप जब लगाओगे तो इनको भी कहोगे, उनको भी कहोगे, सबको कहोगे, ठीक है? जागरूक करो इसको। यस सर। छात्र संघ चौराहे पर आज हमारे TI 3 हैं, उनके निर्देशन में जो है CO साहब की अध्यक्षता में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें नागरिकों के लिए सीट बेल्ट धारण करने, दोपहिया वाहनों के लिए हेलमेट लगाने के संबंध में प्रेरित और एवं जागरूक किया गया, एवं मास्क पहनने के लिए भी कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सभी आने जाने वाले नागरिकों के लिए प्रेरित किया गया। और हमारा ये अभियान लगातार जारी रहेगा, और हमारा गोरखपुर की जनता से अनुरोध है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें, एवं मास्क लगाएं, कोविड संक्रमण से खुद भी बचें और जनता को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं। धन्यवाद।